जी दोस्तों, अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है LUNC को लेकर। तो बहुत लंबे समय से हमने LUNC और USDC दोनों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देखी है, बल्कि एक हफ्ते से ये प्राइस नीचे ही गिरता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी अपडेट्स आई हैं जिसकी वजह से प्राइस अब फिर से बढ़ सकता है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे 5 बेस्ट ऑल्टकॉइंस लेकर आया हूँ जिनमें अभी बहुत बड़ा प्रॉफिट पेंडिंग है और आपको मिलने भी वाला है। तो शायद आपने सोलाना देखा होगा, $100 टेस्ट किया, लेकिन सोलाना की अभी और भी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। इवन सोलाना की भी हम थोड़ी और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला अगर आप भी LUNC को होल्ड करते हैं या फिर सोलाना में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। और तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वॉल स्ट्रीट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने OP का डाला था, और इससे पहले हम हर एक बिटकॉइन की ETF की अपडेट डाल रहे हैं, एटम की अपडेट डाली, सोलाना की अपडेट डाली, इवन BRC20 के टोकन्स के बारे में हमने बात करी कि वो कहाँ पे बाय करने हैं, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एंड हाँ, बिटमार्ट के ऊपर फ्री में $5 के टोकन्स आपको फ्री में मिल सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिटमार्ट के ऊपर साइन अप कीजिए और अपनी जो UID है नीचे कमेंट कर दो, तो मैं आपको एयरड्रॉप का इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए सबसे पहले हम टेरा क्लासिक के बारे में ही बात कर लेते हैं, लूना क्लासिक। तो लूना क्लासिक का क्या है कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर इसका बर्न किया जाता है तो लूना क्लासिक की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम होगी। और ये पॉसिबल तब हो सकता है अगर एक्सचेंजेस, यानी कि अगर बाइनेंस करते हैं, हॉबी करता है, क्यूकॉइन करते हैं, ऐसी एक्सचेंजेस अगर बर्न करती हैं तो, वो भी हर एक ट्रांजैक्शन के साथ। लेकिन अगर ये बर्न नहीं करते हैं तो दूसरा सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि कम्युनिटी करें, लेकिन कम्युनिटी के पास थोड़े बहुत ही टोकन्स होते हैं तो वो बर्न करने के लिए रेडी नहीं रहते। तो इसलिए प्रपोजल्स डाले जाते हैं ताकि जो वैलिडेटर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से अप्रूव करें, और अगर अप्रूव हो जाता है तो लूना क्लासिक और USDC इन दोनों का बर्न किया जाएगा, और बर्न करने के साथ साथ इनकी वैल्यू एकदम से फिर से बढ़ सकती है। तो अभी टैक्स टू गैस के नाम से यहाँ पे एक प्रपोजल लगाया गया जिसमें क्या है कि 1.5% बर्न टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें से 1.2% तो बर्न टैक्स ही रहेगा जो कि ओरिजिनल रहेगा, और उसके अलावा जो 0.3% रहने वाला है ये चेन को फंड करने के लिए रखा जाएगा। तो ये जब भी प्रपोजल आता है तो कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, कम्युनिटी चाहती है कि जो प्रपोजल्स आते हैं बर्न के बारे में तो वो प्रपोजल्स हमेशा अप्रूव होने चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल वैलिडेटर्स हैं वो इसको अभी तक अप्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि अगर वैलिडेटर्स अप्रूव करते हैं देन डेफिनेटली वी विल सी अ ह्यूज पंप। एंड वैसे भी आप देख सकते हो अभी बुल मार्केट आ रही है एंड यहाँ पे हमें बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर जो कि वैलिडेटर्स की एक्चुअल नीड है और एक्चुअल जो करना चाहते हैं वो ये कि वो चाहते हैं कि इसके ऊपर सम हाउ डेवलपमेंट शुरू हो जाए, इनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू हो जाए। तो अगर दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है देन डेफिनेटली वी विल सी अ ह्यूज प्रॉफिट इन LUNC एंड USDC, डेफिनेटली $1 तक भी हमें मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5 कॉइन्स के ऊपर। तो 5 कॉइन्स में से एक सबसे पहले कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो ये है पोलकाडॉट। तो पोलकाडॉट की वैल्यू अभी चल रही है लगभग $8 के आसपास। अगर आप नहीं जानते इसकी वैल्यू लगभग $60 तक भी पहुंची हुई है एक समय पे, लेकिन अभी इसमें सडनली इंक्रीज आ रहा है और इसकी 24 आवर्स की वॉल्यूम लगभग 70-80% से इंक्रीज हो चुकी है। मार्केट कैप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन अभी बिल्कुल नई शुरुआत हुई है। तो पोलकाडॉट में आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों मिल सकता है इसका भी आपको कारण बता देता हूँ कि अभी इसमें रैली एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि पोलकाडॉट की अभी इंटीग्रेशन हुई है पोकेमॉन गो एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंजन के साथ, यानी कि ये कोलैब कर रहे हैं पैरिटी टेक एंड यूनिटी गेम्स के साथ। यहाँ पे दो अलग अलग हैं, इन दोनों के साथ ये कोलैब करके ये वेरीफाइड सॉल्यूशन प्रोग्राम के साथ काम करने वाले हैं, जिससे क्या कि पोलकाडॉट के नेटवर्क को ही यूज़ किया जाएगा। तो जितनी ज़्यादा गेमिंग में या फिर Web3 गेमिंग स्पेस में पोलकाडॉट की यूजेज होगी, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा इसका प्राइस पम्प होने वाला है। तो यही कारण है कि यहाँ पे मैं 5x से लेकर 10x तक इसमें वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरे कॉइन की बात करें तो दूसरे कॉइन यहाँ पे Web3 कॉइन्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने शुरुआत Web3 कॉइन से करी है। तो ये फाइल कॉइन, तो फाइल कॉइन जिसकी वैल्यू एक समय पे लगभग $200 के आसपास भी पहुंची हुई है, आज के दिन ये सिर्फ और सिर्फ $5 के आसपास चल रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट Web3 कॉइन है जो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोरेज बनाया इन्होंने। तो अभी बिल्कुल सही समय है अगर आप Web3 कॉइन्स को बाय करना चाहते हैं, क्योंकि Web3 कॉइन्स में हमेशा इकट्ठी ही रैली आती है। आपने उस दिन भी देखा होगा कि फाइल कॉइन और ICP ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। तो यहाँ पे अगर आप Web3 कॉइन्स को मिस कर रहे हैं तो अभी इनको अभी स्पॉट वॉलेट में डाल के रख लो, क्योंकि यही आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। फाइल कॉइन के साथ साथ यहाँ पे एक और Web3 प्रोजेक्ट जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है, ये ICP। वंस अगेन ICP आज हम बात करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू वही $9-$10 के आसपास चल रही है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा स्टेबल चल रही है, यानी कि इसकी वैल्यू गिरी नहीं है उसके बाद जब से ये एक पंप आया था।
जो कि हमने $5 के आसपास बेयर मार्केट में खरीदा था और वही कॉइन आज हमें ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉफिट दे चुका है, लेकिन इन फ्यूचर ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा और ये वही कॉइन है जिसकी वैल्यू $750 तक भी एक समय पे गई हुई है। एंड ये प्रोजेक्ट इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके ऊपर डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है, इनके ऊपर नए से नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं, इसकी चेन को हमेशा यूज किया जाता है, इसको ट्रस्टलेस मल्टी चेन बोला जाता है। तो अभी भी समय है, अगर आपने बाय नहीं किया हुआ तो आप ICP को लेकर रख सकते हैं। हमारा फोर्थ जो कॉइन है ये है सोलाना। तो यहाँ पे हम इथेरियम को जो बीट करने वाले कॉइन्स हैं सिर्फ वही आखिरी दो कॉइन्स डिस्कस करेंगे, फोर्थ कॉइन सोलाना। तो सोलाना आपने सोचा होगा कि शायद सोलाना ऑलरेडी $100 तक पहुंच चुका है तो इसमें अभी और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन सोलाना की आपने एक चीज नोटिस शायद ये भी करी होगी कल के दिन कि BNB को ऑलरेडी बीट कर चुका था। सोलाना के और BNB की दोनों का मार्केट कैप है जो ऑलमोस्ट $40 बिलियन के आसपास ही चल रहा है, तो एक दूसरे को बार बार लगातार फ्लिप कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन सोलाना की और भी बड़ी अपडेट आई है जिससे प्राइस यहाँ से 2-3 गुना भी जा सकता है, क्योंकि जस्टिन सन ने बताया कि वो ट्रॉन वॉलेट के साथ सोलाना को लिंक करने वाले हैं और ट्रॉन वॉलेट के इस वक्त अगर हम यूजर्स की बात करें तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। तो अगर ऐसा ये लिंक हो जाता है, सोलाना को सम हाउ अगर लिंक कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है ट्रॉन लिंक वॉलेट के साथ, देन डेफिनेटली सोलाना और भी बड़ा प्राइस हमें दे सकता है। एंड यहाँ पे फायदा सिर्फ हमें सोलाना से नहीं होने वाला लेकिन सोलाना से ट्रॉन में भी फायदा होने वाला है, यानी कि ट्रॉन भी यहाँ पे हमें पंप दे सकता है जिससे क्या कि ट्रॉन की वैल्यू वंस अगेन उस प्राइस तक पहुँच सकती है जो हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आई एम वेरी श्योर कि ट्रॉन के बहुत से यहाँ पे होल्डर्स होंगे, अगर आपने ट्रॉन्स होल्ड किए तो नीचे कमेंट जरूर करना कितने ट्रॉन्स आपके पास, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ट्रॉन के ऊपर और BTT के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ कि इसका फ्यूचर क्या है। नाउ अनदर कॉइन जो है OP के नाम से, जो है ऑप्टिमिज्म सडनली यहाँ पे पंप कर रहा है, ऑलरेडी इसने हमें प्रॉफिट दे दिया लगभग 2x का, क्योंकि इसको हमने बाय किया था जो कि बेयर मार्केट में बाय किया था $1 के आसपास और ये ऑलरेडी 3x हो चुका है, यानी कि $3 तक तो ऑलरेडी ये जा ही चुका है, जिसकी वजह से प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल चुका है। लेकिन ऑप्टिमिज्म की वैल्यू इससे भी ऊपर जा सकती है, यहाँ से कम 10 गुना तक की वैल्यू और भी ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप बाइनेंस के ऊपर जाओगे वहाँ पे कोई भी कॉइन ट्रांजेक्ट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्टिमिज्म का ऑप्शन भी दिखता है। अब यहाँ पे जो बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है ऑप्टिमिज्म ने वो ये है कि इनके मेननेट के ऊपर यहाँ पे TVL इनका $5 बिलियन को क्रॉस कर चुका है और जैसे ही क्रॉस हुआ इसी के साथ साथ जो OP की वैल्यू है लगातार बढ़ती जा रही है। OP का थोड़ा सा और जान लो कि OP एक तरीके का Layer 2 सोल्यूशन है जो कि इथेरियम की स्पीड, स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इन चीज़ों को बढ़ाता है। तो ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम ये ऐसे कॉइंस हैं जो कि इथेरियम की हेल्प करते हैं, जिनमें से एक पॉलीगॉन भी है, यानी कि पॉलीगॉन भी इसका सोल्यूशन है जो कि Layer 2 सोल्यूशन बोला जाता है। यही कारण है कि तब से आप पॉलीगॉन मैटिक देख रहे होंगे कि 14 पोजीशन के आसपास चल रहा है तब से। तो यही थे हमारे 5 कॉइंस और इसी के साथ हमने लूना क्लासिक USTC के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं पूरा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एक आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप तक लगातार अपडेट्स पहुँचाता रहूँ, चाहे वो YouTube के ऊपर हो चाहे वो Telegram के ऊपर हो। Telegram ज्वाइन कर लो, वॉटवुड ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।